नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेघा धड़े के बारे में, जो पेशे से एक एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर हैं। मेघा धड़े का जन्म 22 मई 1988 को जलगांव महाराष्ट्र में हुआ था। मेघा को बचपन से ही एक्टिंग करने का शौक था, इसीलिए उन्होंने स्कूल के नाटकों में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। लेकिन उनके माता पिता मेघा के अभिनय करियर के खिलाफ थे। वह एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई थी। दोस्तों, उन्हें बचपन से ही काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन असली संघर्ष तो तब शुरू हुआ जब वह शादी से पहले ही गर्भवती हो गई। इससे उनके पिता को काफी धक्का लगा और 4 महीने के अंदर ही उनके पिता की मृत्यु हो गई। अपने पिता की अनटाइमली डेथ का जिम्मेदार उन्होंने खुद को ठहराया। उनके भाई ने लगभग 7 वर्षों तक मेघा से बात तक नहीं की, लेकिन उनकी माँ ने उनका पूरा साथ दिया और मेघा के अभिनय करियर के लिए भी समर्थन दिया। कुछ महीनों बाद मेघा ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने साक्षी रखा। अपने अभिनय करियर के लिए वह जलगांव से मुंबई आ गई, जहां उन्हें रेलवे स्टेशन पर भी रहना पड़ा। कई महीनों के संघर्ष के बाद वर्ष 2004 में मेघा को एकता कपूर के टीवी शो कसौटी जिंदगी के में अभिनय करने का मौका मिला। एक महाराष्ट्रियन होने के नाते वह हमेशा मराठी रंगमंच और सिनेमा से काफी प्रभावित रही। हिंदी टीवी जगत में काम करने के बाद उन्होंने मराठी फिल्म करियर पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। वर्ष 2011 में उन्होंने मराठी फिल्म सुपरस्टार में मुख्य भूमिका निभाई थी, लेकिन शूटिंग की शुरुआत में उन्हें फिल्म के लिए कोई निर्माता नहीं मिल रहा था, इसीलिए मेघा ने खुद का प्रोडक्शन हाउस बनाने का फैसला किया और इसका नाम मेघा ने अपनी बेटी साक्षी के नाम पर साक्षी एंटरटेनमेंट रखा। कुछ समय बाद मेघा ने आदित्य पवस्कर से शादी कर ली। आदित्य पवस्कर पेशे से एक इंजीनियर हैं और उनकी पहले भी शादी हो चुकी है और उस शादी से उनका एक बेटा है जिसका नाम वेदांत है। वर्ष 2014 में उन्होंने मराठी रियलिटी शो झुंझ मराठमोली में भाग लिया, जहां उन्होंने बताया कि उन्हें पानी से डर लगता है। वर्ष 2018 में उन्होंने बिग बॉस मराठी में भाग लिया और 22 जून 2018 को उन्हें बिग बॉस मराठी सीजन 1 के विजेता के रूप में घोषित किया गया और इनाम स्वरूप उन्हें 18,60,000 रुपए मिले। 22 अक्टूबर 2018 को वाइल्ड कार्ड एंट्री के रूप में वह बिग बॉस 12 में शामिल हुए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उनकी हॉबीज के बारे में। उन्हें ट्रैवलिंग, फोटोग्राफी और कुकिंग बहुत पसंद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। हमारे अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।